अगली खबर आ रही है आगामी त्योहार दीपावली में पटाखों को लेकर। पिछले दो साल से कोविड की वजह से पटाखा मार्केट ने बुरी मार झेली। इस बार बंदिशें नहीं है, पटाखा दुकानदारों ने बड़ा स्टॉक मंगाया है। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार करोड़ों रुपए की कमाई होगी। भोपाल इंदौर के पटाखा मार्केट में 1000 से ज्यादा वैरायटी के पटाखे मार्केट में हैं। इस बार कई पटाखे अलग वैरायटी के आए हैं। भोपाल में इको फ्रेंडली पटाखों के साथ साउंडलेस फुलझड़ी भी आई है। हाथ से कुल्हड़ में बनने वाला मटकी अनार आपको सिर्फ इंदौर में ही मिलेगा। भोपाल के थोक पटाखा मार्केट के दुकानदारों ने इको फ्रेंडली पटाखे भी मंगाए हैं। ये आम पटाखों के मुकाबले 30% तक प्रदूषण कम करते हैं। मार्केट में सेव अनार, 4-in-1 साउंडलेस फुलझड़ी जैसे कई अनेक पटाखे आए हैं। भोपाल में कारोबारियों को उम्मीद है कि दिवाली तक करीब 20 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। शिवा काशी से 1000 से ज्यादा वैरायटी के पटाखे आए हैं। इनमें जमीन से लेकर आसमान तक चलने वाले पटाखे शामिल हैं। बता दें भोपाल में मध्य प्रदेश का बड़ा पटाखा मार्केट है। यहां से 300 किलोमीटर के एरिया में पटाखों की सप्लाई हो रही है। सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, साजापुर, अशोकनगर, गुना तक के व्यापारी और लोग भोपाल पटाखे खरीदने आ रहे हैं। होलसेल कारोबारी हकीमुद्दीन ने बताया कि एक साल के भीतर केमिकल मजदूरी और भाड़ा काफी महंगा हो गया है। पटाखे पर 18% GST लग रहा है। इसके चलते पटाखे 30-50% तक महंगे हैं। पहले जो पटाखा 50-60 रुपए में मिलता था वो अब 100 रुपए तक मिल रहा है। हलालपुर लाल घाटी स्थित होलसेल मार्केट में 18 दुकानें हैं। यहाँ करीब 11 करोड़ रुपए के पटाखे का स्टॉक आ चुका है। भोपाल में करीब 1000 रिटेल दुकानें लगने की उम्मीद है। इन दुकानों के लिए जिला प्रशासन लाइसेंस दे रहा है। करीब 9 करोड़ रुपए का होलसेल कारोबार होने की संभावना है। होलसेल दुकानें बिठन मार्केट, लिली टॉकीज, दशहरा मैदान, टीटी नगर, बैरागढ़, आनंद नगर, गोविंदपुरा आदि जगह लगेंगी। एक दुकानदार का एवरेज 80-90 हजार रुपए तक कारोबार होता है। 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। और जो केमिकल पटाखों में इस्तेमाल होता है वो काफी महंगा है। इस कारण से लेकर 50% तक महंगा हो गया है। भोपाल में सबसे महंगा पटाखा 5000 रुपए का है। वहीं इंदौर में इस बार स्पेशल मटकी अनार पटाखा आया है। जो इनका मटकी अनार है वो अच्छा चलता है, मतलब उनकी हाइट भी अच्छी रहती है, फूटते भी नहीं है इनका, मतलब सालों साल हो गए इनके मटकी अनार का, मतलब चलता अच्छा है। साफ है कि दो साल बाद काफी धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है, तो अलग तरह से आतिशबाजी होना तो बनता ही है। दैनिक भास्कर के लिए ईश्वर सिंह परमार और देवेंद्र मीणा की रिपोर्ट।